एक अपराधी प्रजा के सामने झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं भानुमान, अब वो जो भी कहेगा पूरी प्रजा के सामने कहेगा। मेरी बच्ची, आपको भूख लगी होगी ना? क्यों? सुबह से आपने एक कोर भी नहीं खाया। चलिए हम आपको कुछ खिला दें। नहीं रानीबा, आज हम नहीं खाएंगे। पर क्यों? आज हमने व्रत रखा है। व्रत? व्रत? राजकुमारी, आपने किसका व्रत रखा है? हमने शीतला माँ के नाम का व्रत रखा है। अरे वाह, किंतु ये व्रत तो माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। परंतु हमने ये व्रत अपनी माँ के लिए रखा है। देखो लोमा, फिर जीत गई। सच तो यह है कि मेरी सखी गौरी नहीं है। यदि वो होती तो उसे जीतना मेरे लिए असंभव होता। अच्छा लोमा, एक बार फिर से खेलकर देखते हैं कौन जीतता है। हमसे डरो मत कन्या, हम तेरा भाग्य चमकाने आए हैं। भैरव बाबा के अवतार त्रिपुर सुंदरी के महंत प्रभु रुद्र भद्र ने तेरा स्मरण किया है। जय भवानी, जय भवानी। कल्याण हो बालिके। क्या नाम है तुम्हारा? लोमांशनी। तेरे मुखमंडल की कांति और मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारा जन्म साधारण कार्य के लिए नहीं हुआ है। अरे तुम तो वो करोगी जिससे तुम्हारे गांव तनकारिया का नाम चारों दिशाओं में फैल जाएगा। क्या? हाँ बालिके, शीघ्र ही तुम्हें भैरव अवतार महंत रुद्र भद्र का आशीर्वाद मिलने वाला है। रुद्र भद्र, हे भगवान, नहीं नहीं, मेरा विवाह निश्चित हो गया है। आने वाली पूर्णिमा से को विवाह। मूर्ख! भैरव अवतार महंत रुद्र भद्र की इच्छा हुई तो तेरा विवाह अवश्य होगा। अगर उनकी इच्छा नहीं हुई तो लोमा, 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 लोमा। बिरजू, लोमा, लोमा। प्रणाम भैरव बाबा। जा बालिके जा, तू चाह कर भी अधिक दूर नहीं जा पाएगी। भैरव अवतार भगवान रुद्र भद्र की कृपा तुझ पर अवश्य होगी। वो तुझे अपने पास बुलाकर तेरा कल्याण अवश्य करेंगे। लोमा, लोमा, लोमा क्या हुआ तुझे? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? मुझे ऐसे शीघ्र लेकर चलो बिरजू। हुआ क्या बता? मैं तो भी सब बताऊंगी, लेकिन मुझे ऐसे ले चलो। चलो बिरजू। अच्छा, तो इसलिए तुम शोभा से इतना प्यार जता रहे थे? मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। इंदु बहन सब कुछ समझ लोगी तो फिर हमारी क्या आवश्यकता। भरोसा रखो, भरोसा रखो अपने भाई पर। भानु भाई, तुम्हारे भरोसे ही तो मैंने इतना बड़ा सपना देखा है, परंतु अब प्राणलाल हमारे सपने चकनाचूर करने पे तुल गया है। यदि प्राणलाल ने दद्दा चालू किया और प्रजा के सामने सारी सच्चाई बता दी तो फांसी का फंदा केवल मेरे गले में ही नहीं, तुम्हारे गले में भी झूलता नजर आएगा। तुम इतने निश्चिंत कैसे हो सकते हो? क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। भानुमान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। धैर्य से बस देखती जाओ कि तुम्हारा भाई भानुमान क्या करता है। मुझे तो इसकी चाल ढाल से मेरे विरुद्ध षड्यंत्र की बू आ रही है। वो ना हो ये पाखंडी लालची भाई अवश्य बिक गया है। यदि मुझ पर जरा भी आ जाए तो मैं ये भूल जाऊंगी कि ये मेरा भाई है। हमने इंदु बहन से कह तो दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु शोभा की बच्ची ने इतनी छोटी आयु में वैसा चक्रव्यूह रच दिया कि भानुमान भी चकरा गया। परंतु इसका तोड़ तो ढूंढना ही पड़ेगा। ढूंढ ही लेगा भानुमान। लड्डू देखकर हमारे पेट में गणेश जी की सवारी कूदने लगी है। बस दुर्जटी बस, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा और करो, उसके बाद हम सब साथ में पूजा करके साथ में सारे लड्डू खाएंगे। सारे लोग पूजा के लिए आ गए। ये इंदुमती बहन अभी तक नहीं आई, वो भी तुम्हारे साथ पूजा करने वाली थी ना। शोभा एक काम करोगी, तुम अपनी नई बा को बुला कर लाओगी जल्दी से। हाँ जी महारानी माँ। लाइए। राजकुमारी शोभा, क्या बात है राजकुमारी शोभा, हम भी आपके साथ चलें? नहीं महारानी माँ, आप क्यों कष्ट करेंगी, हम अभी जाकर अपनी नेबा को बुलाते हैं। ठीक है, चाहिए। ये सारी गुत्थी उस शोभा ने उलझाई है। ये सम्राट यहाँ से जाए तो मैं इसकी अच्छी खबर लेती हूँ। अभी मैं इस प्राणलाल का क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महारानी जी भोजन कर लीजिए। तुझसे मुझे भोजन नहीं करना। रानी जी स्फूर्ति आ जाएगी, फिर आप अच्छा ही अच्छा सोचिएगा। ये सही कह रही है, यदि मेरे भाई ने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो क्या खाने से मैं क्यों मुंह मोड़ूं? कल को क्या होगा किसने देखा है? बंदी गृह में रात से भोजन कहाँ से मिलेगा? अब तो इतना कह रही है तो मैं थोड़ा सा चख लेती हूँ। रानीबा, तुम यहाँ कैसे आई? कैसी जन्म चली थी तुम्हारी माँ? शिष्टाचार भी नहीं सिखाया कि किसी के कक्ष में आने से पहले अनुमति ली जाती है। चलो निकलो यहाँ से। हिंदुमती बहन, लीजिए राजकुमारी शोभा, आप भी अपना व्रत तोड़ लीजिए। क्षमा कीजिए महारानी माँ, हम अपना व्रत अपने बा के हाथों से तोड़ेंगे। हिंदुमती बहन, आपने राजकुमारी शोभा के व्रत तोड़ने से पहले ही व्रत तोड़ लिया? नहीं नहीं महारानी जी, वो देखिए ना, इसी बात पे तो मैं इस पे रुष्ट हो रही थी कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप शीतला देवी की पूजा के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। मैंने पूजा कर ली, इसीलिए तो भोजन कर रही थी। मुहूर्त से पहले ही पूजा कर ली, किंतु पूजा का मुहूर्त अभी हुआ ही नहीं। राजकुमारी शोभा, पूजा की सारी तैयारियां हो गई, चलिए हम पूजा करते हैं। तुम जानती हो शोभा, ये कपास से बनी और कुमकुम से रंगी माला शीतला माता को अत्यंत प्रिय है। महारानी, अब शीतला माता की आरती कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शीतला माता, सौभाग्य को भी सुख के दिन दिखा देना। कब तक तेरे दरबार में यूं ही सुनी कोकले कराती रहूंगी। मेरी गोद भर जाए तो मैं भी अपने संतान के लिए आपका व्रत रखूं, आपकी पूजा करूं। हम आपका दुख अच्छी तरह से समझते हैं महारानी। माता रानी की कृपा हुई तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और हमें पूरा विश्वास है कि अगले साल माता रानी की पूजा हम दोनों साथ ही करेंगे। बोलो शीतला माता की, बोलो शीतला माता की। महारानी, पूजन संपन्न हुआ। अब आप माता का प्रसाद और बासी भोजन के साथ अपना व्रत समाप्त करें। आज हमारी माँ जीवित होती तो इसी प्रकार हमें भी अपने हाथों से भोजन करवाती। लीजिए राजकुमारी शोभा, आप भी अपना व्रत तोड़ लीजिए। क्या हुआ? क्षमा कीजिए महारानी माँ, हम अपना व्रत अपने माँ के हाथों से तोड़ेंगे। उसे अपनी नई बा से बहुत स्नेह है, इसीलिए उन्हीं के पास गई होगी अपना व्रत तोड़ने। मेरी प्यारी चांगली शोभा, माँ की भूख अपने बच्चों के भोजन से मिट जाती है। अगर तेरा पेट भर गया तो समझो मेरा भी भर गया। माफ कर दीजिए। अगर आज आप होती तो हमें प्रसाद और भोजन करवाती। कोई बात नहीं, आप हमारे रोने से दुखी मत होना। हम अपने इस हाथ को आपका हाथ समझ लेंगे। चागली शोभा, शीतला माँ का प्रसाद खा ले। माँ की कृपा से तेरे जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, हर समय शुभ शुभ ही रहेगा। यहाँ का प्रसाद बहुत अच्छा है। अरे हम तो आपसे पूछना ही भूल गए, आपको भी खाना है ना? मेरी प्यारी चागली शोभा, माँ की भूख अपने बच्चों के भोजन से ही मिट जाती है। अगर तेरा पेट भर गया तो समझो मेरा भी भर गया।